हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप जो है साथ में सीएससी आईआरसीटीसी का पोर्टल चलाते हैं, आपके लिए एक नया अपडेट आया है। वही अपडेट जो है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे और इस वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आईआरसीटी का जो सीएससी एजेंट पोर्टल है उसमें एक नया अपडेट आया है। वो अपडेट क्या है इस वीडियो के एंड तक बने रहना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप सब सीएससी वीएलई जो है आईआरसीटीसी का पुराना वाला पोर्टल चलाते थे, मैं भी चलाता था, उसमें से मैं भी टिकटिंग करता था। 3-4 महीने पहले जो है आईआरसीटीसी ने वो वाला पोर्टल बंद कर दिया और हमारे लिए जो सीएससी वीएलई के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया। जैसे ही उन्होंने वो वाला पोर्टल लॉन्च किया, साथ में उन्होंने हमारा डाटा भी उस नए वाले पोर्टल में जो है शिफ्ट कर दिया। उसमें से क्या प्रॉब्लम आई, बहुत सारे वीएलईज हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम आई कि वो जो है अब नए वाले पोर्टल में जो है टिकट नहीं कर पा रहे थे। जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, 3-4 महीने से मैं लॉगिन तो हो जाता था, जब मैं टिकट क्रिएट करता था तो टिकट जनरेट होने के बाद जो है उसमें एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे सेंड करता है, वो मोबाइल नंबर जो इस पोर्टल में जो है रजिस्टर है, और मेरे मोबाइल नंबर पे जो है वो ओटीपी नहीं आता था और वो जो टिकट कैंसिल हो जाती थी, कंफर्म नहीं होती थी। फिर मैंने क्या किया, अपने एरिया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास गया और वहां पर बैठा और अपनी प्रॉब्लम जो है मैंने उनके साथ जो है शेयर की। उन्होंने मेरे को फुल कोऑपरेट किया, कोई भी उसमें जो है उन्होंने हिचकिचाई नहीं, बल्कि उन्होंने जो है 10-15 दिन जो है मेरे साथ ऑनलाइन भी रहे, मेरे को पूरा बताते रहे कैसे आपको करना है, ऐसा करो, और उन्होंने कई बार जो है मेरा मोबाइल नंबर जो है ऑनलाइन अपडेट भी किया। मगर 3 महीने हो गए थे, पिछले 2 दिन तक जो है मेरा मोबाइल नंबर उसमें अपडेट नहीं हुआ। और उन्होंने ही मेरे को जो है पिछले कल कॉल किया है कि वेदपाल जी, आप जो है अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी अगर आपने चेंज करना है तो जल्दी से आप अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाएं और वहां पर जो है एक ऑप्शन जो है लाइव हुई है जिससे आप जो है दोनों जो है मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो और अपना ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हो। पिछले कल जो है मैंने वो कर लिया और ये पूरा वीडियो भी जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे जो वीएलईज भाई हैं वो भी जो है इस प्रोसेस को जो है पूरा करके अपना पुराना नंबर जो है डिलीट करके अपना नया मोबाइल नंबर उसमें एंटर कर दें। तो ये कैसे करना है, तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे कि देख रहे हो डेस्कटॉप में मैंने यहाँ पर जो है गूगल क्रोम खोल लिया, आपने खाली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखना है, तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है आप पर आ जाएगा, उसका लिंक आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, इस लिंक को जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी आप क्लिक करके जो है इस पोर्टल को खोल सकते हो। तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद जो है इस तरह से आपको जो है सीएससी आईडी पे जो है आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो है आपने वैसे ही लॉगिन करना है जैसे आप अपने सीएससी आईडी पे लॉगिन करते हो। इस वाले विंडो पे देखो, जो ऊपर वाले टॉप ऑप्शन जो मेनू आ रहे हैं वहां पर लिखा हुआ आ रहा है होम, अबाउट अस और सर्विसेज। हमारा जो ऑप्शन है सर्विसेज में है, इसमें मैं क्लिक करूंगा, एक विंडो जो है और खुल जाती है। उसमें देखो लिखा हुआ आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर करेक्शन। आपने जो है फिर इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है एक नया पेज खुल जाएगा। जब आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है तो आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ न्यू मोबाइल नंबर और न्यू ईमेल। आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है अपना नया वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर, मगर याद रखना है आपने यहाँ पर कैप्चा जरूर भरना है 568301। मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक मैसेज अपीयर होगा, उस पर लिखा है डियर वीएलई योर एजेंट आईजी आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड। मेन की आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने के लिए नहीं है, मगर आपको फिर भी जो है ये प्रोसेस करना ही करना है। ये जो विंडो है ये विंडो उनके लिए है जिन्होंने जो है नई रजिस्ट्रेशन करनी है। अब ये कहां से चेंज होगा, वो आपने राइट साइड पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसेज, उसके साथ जो है न्यू रजिस्ट्रेशन और फिर से लिखा हुआ ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर करेक्शन, ये भी आपने इस पे भी आपने क्लिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड लिंक, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन और ये जो नीचे लिखी हुई है मोबाइल / ईमेल अपडेट ऑफ B2B रजिस्ट्रेशन एजेंट, यही ऑप्शन है हमारे लिए जिसमें से हम जो है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है चेंज कर पाएंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक पेज जो है और खुलता है। देख रहे होंगे कि एक पेज जो खुला है उसमें जो है आपका सीएससी आईडी और जो है B2B IRC एजेंट कोड जो है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पर जो है आपके जो दो टैब नीचे हैं उस पर लिखा है न्यू मोबाइल नंबर और ईमेल। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आपके पुराने वाले हैं।
अगर आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना चाहते हो, जैसे मान लो कि मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे वाला जो पुराना मोबाइल नंबर था उस पे ओटीपी नहीं आ रहा था, अब जो है यहाँ पर मैंने उसको मोबाइल को डिलीट कर देना, उस मोबाइल नंबर को डिलीट करके बैकस्पेस करके आपने अपना यहाँ पर नया मोबाइल नंबर डालना है। याद रखना है कि यहाँ पर जो है एक एक करके जो है आपने अपडेट करना है, दोनों को इकट्ठे अपडेट नहीं करना है। जैसे पहले मैंने यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर लिखा है और नीचे आपने जो है कैप्चा भरना है और अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके टॉप पे एक पॉपअप खुलेगा, उस पे लिखा हुआ आ गया योर मोबाइल नंबर इज अपडेटेड। उसी तरह से ही आपने जो है यहाँ से अगर आपने ईमेल अपना चेंज करना है पुराने वाला और नया ईमेल जो है आपने उस पे डालना है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, पुराने वाला ईमेल रिमूव कर देना और नया वाला ईमेल आपने इसमें एंटर कर देना है और आपने कैप्चा एंटर करने के बाद अपडेट ईमेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो वही टॉप अप पे एक पॉप अप खुलेगा, उस पे लिखेगा योर ईमेल इज अपडेटेड। तो वहां पर जो है अपडेट कर फिर आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद फिर आपको यहाँ पर पुराने वाले मोबाइल नंबर भी नहीं दिखाई देगा और नया वाला पुराने वाला जो ईमेल आईडी भी नहीं दिखाई देगा। उसमें जो है दोनों आपके नया वाला मोबाइल नंबर और नया ही ईमेल आईडी आपको उस पे जो है दिखाई देगा। इसका मतलब हुआ कि आपका जो है मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया और ईमेल आईडी भी चेंज हो गया है, मगर जब आप टिकट करोगे उसमें जो है ये अपडेट नहीं हुआ होगा, वो 24 आवर्स के बाद ये अपडेट होगा। तब तक के लिए आपको जो है वेट करना है, वेट करने के बाद आफ्टर 24 आवर्स जो है आपने उसको चेक कर लेना है। ये थी आज की एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी जरूर मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन जो है आप मेरे लिए जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। साथ में ही इस वीडियो को जो है अपने सीएससी वीएलएस भाइयों के साथ जरूर शेयर करना, खूब शेयर करना, ताकि वो भी जो है अपना ईमेल या अपना मोबाइल नंबर जो है चेंज कर सकें। और जल्दी ही हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।